हेलो फ्रेंड्स, कुक विद राधा चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आपके सामने कोरोना वायरस से बचने के लिए एक ऐसा उपाय। ये उपाय आप करेंगे तो इससे आप इस वायरस से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हम क्या करेंगे। कोरोना वायरस ने कितना हलचल मचा रखा है हमारे इंडिया में। इससे लोग बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ रहे हैं। ये वायरस बहुत खतरनाक है, तो हम इससे बचने के लिए हम क्या करें। तो फ्रेंड्स, आप देखिए हम क्या कहते हैं कि कोई भी सामान मार्केट से खरीद कर लाते हैं, लेकिन ये वायरस ऐसा है, आप किसी लोगों से दूरियां बना लेंगे लेकिन ये वायरस सामान में बैठकर भी आ सकता है। तो उससे हम कैसे बच सकते हैं, तो आप देखिए। तो ये उपाय हम आपको बता रहे हैं। इससे आप बड़ी आसानी से इन सामान को, आप क्या करेंगे कि इस सामान में तो सैनिटाइजर नहीं लगा सकते अपने हाथों में, या फिर बच्चों को किसी से सेफ्टी से बचाने के लिए तो हम सैनिटाइजर लगा लेंगे, लेकिन हम हर चीज में तो नहीं लगा सकते हैं सैनिटाइजर। हम क्या करते हैं, मार्केट से फ्रूट या फिर वेजिटेबल या कुछ भी खरीद कर लाते हैं, तो उसे तो सैनिटाइजर हम कैसे करेंगे। तो उसे उसके लिए मैंने यहाँ पर ये उपाय बताऊंगी आपको। तो ये उपाय आप करिएगा, इससे आप बहुत ही ज्यादा अपने घर को बचा सकते हैं इस वायरस से। ये वायरस बहुत ही खतरनाक है। तो चलिए अब हम इसे शुरू कर देते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पर ये टोकरी में पानी ले लिया है। ये पानी हमने गुनगुना लिया है, जितना हम इसे सह सकें उतना हमने इसमें पानी लिया है। तो यहाँ पर मैंने ये साबुन लिया है विम बार, आप लिक्विड वाला भी इसमें डाल सकते हैं, घोल बना के तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ये सूती कपड़ा लिया है इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, कपड़े का थोड़ा साबुन लगाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पर मैंने ये डब्बा लिया है बॉर्नविटा का। तो सबसे पहले बच्चों को तो सेफ्टी से बहुत ही बचाना है हमें, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस वायरस से। लेकिन बच्चों क्या, हमें सभी को अपने आप को बचा लेना है। तो अब हम इसे इस तरीके से साबुन लगा के इसको ऐसे साफ कर लेना है। और हम इसे पानी में इस तरीके से इसको हमें धो लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इसको धो लिया है। और दूसरा पानी गुनगुना और लेंगे, उसमें एक बार इसको डब्बे को और निकाल लेंगे हम। हमने यहाँ पर ये च्यवनप्राश का डब्बा लिया है, तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम साइड में रख देंगे। और हम इसे गुनगुना पानी साइड में मैंने अलग रखा है लेके, तो उसको मैं उसमें निकाल लूंगी। इसी तरीके से हम इन चीजों को सैनिटाइज कर लेंगे, क्योंकि हमें बहुत ही बचाव रखना है अपने आप को, अपने घर में सेफ्टी बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स। ये वायरस बहुत ही खतरनाक है। ये देखिए तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, ये पानी हमारा बच चुका है। तो इस पानी को हम क्या करेंगे, जो हमने ये कपड़ा लिया था तो उससे हम इसको अच्छे से साफ कर लेंगे। गर्म पानी है हमारा ये, तो ये पानी, ये कपड़ा को हम अच्छे से धो लेंगे। इसको भी, कपड़े को भी हम दो बार धो के डालेंगे, नहीं तो इसको फेंक दें। अगर हम यूज करना चाहते हैं बाद में किसी और के लिए, तो हम इस कपड़े को अच्छे से गर्म पानी में रख सकते हैं निकाल करके। और दूसरा पानी और लेंगे गर्म, उसमें एक बार निकालेंगे और साबुन से वॉश करके इसको हम डालेंगे सूखने के लिए, क्योंकि अब ये पानी हमारा वेस्ट है। तो अब इसको हम फेंक देंगे, इसको रखेंगे नहीं। और ये टोकरी को भी हम 2 से 3 बार गर्म पानी में निकालेंगे, धोएंगे, यानी कि क्योंकि इसमें जो हमने ये सामान धोया था तो उसमें थोड़ा वायरस रह सकता है, लेकिन हमने गर्म पानी में धोया लेकिन नहीं रहेगा। फिर भी हम इसे 2 से 3 बार गुनगुने पानी में और साबुन लगा के इसको धो लेंगे। इसका पानी हम फेंक देते हैं और हम उन चीजों को भी धो करके तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने सभी चीजों को अच्छे से धो करके तैयार कर लिया है। इनको मैंने पानी और रखा था हमने साफ पानी, तो उनमें उस पानी में हमने इन चीजों को 2 बार और धो लिया है। ये चीजें अच्छे से वायरस फ्री हो गई हैं, अच्छे से वॉश कर लिया हमने इनको। तो अब हमें इन्हें क्या करना है, इन्हें 1 घंटे के लिए हमें धूप में रख देना है। इससे क्या है कि धूप से भी बैक्टीरिया मर जाता है फ्रेंड्स, लेकिन हमारा बैक्टीरिया पहले से ही मर गया, लेकिन हम क्या करते हैं, कोई भी चीज है जैसे ये मैगी का पैकेट है या फिर हम
ये फिर डब्बे डब्बे में से वैसे भी पानी सूख जाएगा, लेकिन हमें इन्हें 1 घंटे के लिए और सुखा लेना है। और हम क्या करें फ्रेंड्स, जो हम मार्केट से वेजिटेबल और ये फ्रूट वगैरह लाएंगे, एप्पल है, पपाया है, ग्रेप्स हैं, तो इनको भी हमें गर्म पानी में ही वॉश कर लेना है, ताकि ये किसी में भी चीज में छिप करके आ सकता है। ये वायरस बहुत ही खतरनाक है फ्रेंड्स हमारे लिए, इससे हमें बचना है। तो फ्रेंड्स इससे बचने के लिए हम ये उपाय को करेंगे तो हम इससे कहीं भी खतरा नहीं होगा हमें। तो चलिए, ये वीडियो हमारा आज का कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा, और ये वीडियो शेयर कीजिए जितने लोगों में आप कर सके फ्रेंड्स लोगों में, तो इससे सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा बचाव मिलेगा।